ऑर्डर तुसीं खुद पढ़ लो, मैं नहीं कुछ कहूँगा। पहली गल। दूजी गल, झोने का पंजाब विच्चों बंद करना जां झोने की MSP देना, इहदा दिल्ली की पोल्यूशन नाल कोई तल्लक ही नहीं है। ये दिल्ली की पोल्यूशन का केस बड़े सालों तो चल रहा, ये जिहड़ा केस चल रहा ना, ये मैं तुहानूं इक गल दस्सदा जी, ये जिहड़ा केस आ 1985 का, ये केस का नंबर देख लो तुसीं, ये केस 13-13-09 ऑफ 1985 1985 तो केस चल रहा। हर साल ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम होंदी आ, हर साल ये केस लैंदा, ये पहली बारी ये केस का मोड़ इस पासे नूं मोड़ता, मतलब कि पंजाब दा झोना बंद करना, झोने की MSP खत्म करनी और पंजाब चो झोने नूं फेज आउट करना। दिल्ली की पोल्यूशन नाल उहदा की मतलब? वो दिल्ली की पोल्यूशन नाल जोड़ के किसी अफसर का दिमाग कम किया? मैं आई एम श्योर कि पोलीटिकल लीडरशिप ने इस बारे सोचा भी नहीं। ये बहुत वड्डा पोलीटिकल डिसीजन आ, पॉलिसी डिसीजन आ, बहुत वड्डा। किसी अफसर का दिमाग कम किया कि असी इस बहाने MSP दूजिया फसलों की ले लो, तो झोने बंद करवा दो, झोने बंद करवा दो, झोना MSP बंद हो जूगी। ता ही तो उसे कह गया जे MSP बंद कर दिए कहिंदे एक दिन च प्रॉब्लम हल हो जू, मतलब कि झोना बंद होगा। आ जो इलैक्ट्रिसिटी सबसिडी पंजाब सरकार को देनी पैंदी, वो भी नहीं देनी पऊ। ये किसी अफसर का दिमाग चलिया? और ये पोलीटिकल लीडरशिप नूं ध्यान नाल सोच लेना चाहिए कि ये सही वाले पासे नूं अफसर जा रहे आ। ये जिहड़े डायरैक्शन है, डायरैक्शन ही गलत आ, बिल्कुल गलत डायरैक्शन वाले पासे नूं। ये पिछले मतलब कि 1985 तो हुण तक केस चलता, पिछले 15 साल तो पोल्यूशन हायर होंदी आ, 10 साल तो बहुत बुरी तरह पोल्यूशन बहती आ। पहली बार ये मोड़ चुके इस पासे नूं देता जी, इहदा मतलब ही नहीं कोई। दिल्ली की पोल्यूशन ने नाल पंजाब का झोना या पंजाब की MSP का बिल्कुल कोई कनैक्शन नहीं, ये गलत मोड़ दिता गया। और ये मोड़ नूं हरियाणा ते पंजाब दोनों की सरकारों का फर्ज बनता अपने किसानों नूं बचाउण लई। ये मोड़ वापस तुसीं इस पासे नूं सही लाइन ते लैके आओ। ये MSP का जां झोने नूं फेज आउट करन दा दिल्ली की पोल्यूशन नाल बिल्कुल कोई तलक नहीं है। दिल्ली की पोल्यूशन के वास्ते दिल्ली खुद जिम्मेवार आ, पंजाब का किसान। मैनूं सुन लो एक मिनट, मेरी सुन लो, मैं पंजाबी तुसीं बात हिंदी ले लियो। अच्छा, दिल्ली की पोल्यूशन के लिए पहला जो जिम्मेवार किसी को रिस्पॉन्सिबल कहें वो दिल्ली की इंडस्ट्री है, दिल्ली खुद है। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, जब पहले आज से 4-5 साल पहले जब उस वक्त दिल्ली में ये था, पंजाब का किसान दिल्ली की पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार है, मैंने तब भी ट्वीट कर करके ये कहा था, पंजाब का किसान नहीं जिम्मेवार नहीं, पंजाब की वजह से वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ती है, पंजाब की वजह से वहाँ के पोल्यूशन का कारण नहीं है। जो 300 तक AQI वो तो दिल्ली खुद जनरेट करती है। 100 अगर कुछ दिन के लिए पंजाब में आ गया तो पहले अपना देखो। अब हम पंजाब में ये जो जहाँ पे भी फार्म फायर करते हैं वहाँ पे केस रजिस्टर कर रहे हैं, और ठीक है पंजाब की फार्म फायर बंद होनी चाहिए, मगर दिल्ली में पटाखे जो बैन थे, मगर फिर भी वो पटाखे इस बार दिल्ली में शरेआम चले हैं। क्या एक भी केस रजिस्टर हुआ है? एक भी केस रजिस्टर हुआ है? तो दिल्ली की पोल्यूशन का पहला जिम्मेवार दिल्ली है। दूसरा जिम्मेवार जो बनता है ये फार्म फायर्स बनती हैं, पहली जिम्मेवारी दिल्ली की है। और ये फार्म फायर्स का सोल्यूशन है, ये जो सरकारों को इसका सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। ये बिल्कुल पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था कि हम डीकम्पोजर निकाल रहे हैं वो लाएं, वो डीकम्पोजर इसका सलूशन है। ये पैडी बंद करना ये सलूशन नहीं है। पंजाब के किसान का गला कोटना, दिल्ली को साफ हवा देने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान का गला कोटना इसका सलूशन नहीं है। वो तरीके अडॉप्ट किए जाएं, ये पैडी को डीकम्पोज करने के तरीके अडॉप्ट किए जाएं।